गलतियां सभी से होती है, लेकिन गलती से भी कभी किसी का गलत नहीं करना है। कोल्ड एंड थ्रोट इन्फेक्शन उसी तरह है कि यदि दुश्मन भी आपके घर में आ जाए तो कभी गलती से भी विंटर सीजन में उनको जूस नहीं पिलाना, शरबत नहीं पिलाना, फ्रूट जूस नहीं पिलाना। समर इज फॉर कूल आइटम्स एंड विंटर इज फॉर हॉट आइटम्स, हॉट ब्रिवरेजेस। दुश्मन भी यदि घर पे आ गया तो उसको गर्म वस्तु पिलाना, जहर नहीं पिलाना, चाय या कॉफी का, देसी कावा, शाही कावा, गरम सूप है तो ये गरम चीजें पिलाना, लेकिन ठंडी चीजें गलती से भी नहीं पिलाना। अदरवाइज सीवियर कोल्ड एंड थ्रोट इन्फेक्शन जरूर होगा। लेकिन इस गलती को सुधारना भी हमारे ही हाथ में है। अचानक एक्यूट कोल्ड कंडीशन हो गया है, एक्यूट थ्रोट इन्फेक्शन हो गया है, लाल रंग की स्केच पेन जरूर रखना। इमीडिएट बेस्ड ऑन सुजोक थेरेपी, अंगूठा खोलेंगे, अंगूठे के ऊपर देखिए एक उठा हुआ हिस्सा मिलेगा, आपका नाक उठा हुआ है, चेहरा पूरा बराबर है लेकिन नाक आपका उठा हुआ है, अंगूठे पे उठा हुआ एक हिस्सा मिलेगा। इमीडिएट उस पर क्या करना है हमको, एक लाल लकीर मार देनी है वर्टिकल, 5 मिनट के अंदर ठीक हो जाएगा। थ्रोट में सीवियर इन्फेक्शन हो गया है, इमीडिएट हॉरिजॉन्टल, आपके थंब का फर्स्ट जॉइंट नहीं सेकेंड, जहां पे आपका बेस खत्म होता है, इमीडिएट उसके नीचे लाल हॉरिजॉन्टल लाइन मार देंगे, दैट इज योर पिट एरिया। यहां पिट पे हम क्या करेंगे, 30 सेकेंड्स लॉन्ग प्रेस करके रख देंगे, जब 30 सेकेंड्स आप यहां पे प्रेस करके रखते हैं, कई बार होता है थ्रोट इन्फेक्शन होने से अचानक आपकी आवाज बंद हो जाती है, थ्रोट इन्फेक्शन होने की वजह से अंदर पस फॉर्म हो जाता है, टॉन्सिल एकदम से अचानक बढ़ जाएंगे, एकदम से थायराइड ग्लैंड आपका एनलार्ज हो जाता है, म्यूकस फॉर्म होते रहेगा, बार 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 आपको जाके स्पिट करना पड़ता है, तो इमीडिएट आपके नेजल पॉइंट को एंड थ्रोट पॉइंट को वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन जब आप मार देते हैं, विद इन 5 मिनट्स यू कैन सी द रिजल्ट कि किस तरह आपका एक्यूट कंडीशन, नॉट क्रॉनिक, वी आर टॉकिंग अबाउट एक्यूट कंडीशन, कि हमारा जो नोज नाक बह रहा था और हमारे गले में जो दर्द हो रहा था, ये दोनों ठीक हो जाते हैं 5 मिनट के अंदर। तो रेड परमानेंट पार्कर हमेशा रखना है कि जब भी लगा कि विंटर सीजन में कोल्ड एंड थ्रोट इन्फेक्शन हो गया है, इमीडिएट पॉइंट पे आपको क्या करना है, रेड मार्कर से करना है। दूसरा, जिन जिनके पास सिल्वर रिंग है, 2 मिनट उस अंगूठे पे घुमा देना है, जिनको थ्रोट इन्फेक्शन है 2 मिनट थ्रोट इन्फेक्शन के पॉइंट पे एंड 2 मिनट कोल्ड आपके नोज के उठे हुए पॉइंट पे, 2 मिनट वहां पे घुमा देना। उसके बाद सभी के पास ऑलमोस्ट थायराइड रोलर है, जिसके पास नहीं है वो अपने थंब से एंड बाकी की 4 फिंगर से कपिंग करेंगे और मसाज करेंगे। नीलगिरी का तेल ऑलमोस्ट सभी के पास होता है, उसको थ्रोट पे लगा के क्या करना है, 5 मिनट इसकी मसाज कर देना, 5 मिनट में आपका कोल्ड एंड थ्रोट इन्फेक्शन खत्म हो जाता है।
इंडेक्स फिंगर आपके नेल के बेस को टच करेंगे एंड आपके फर्स्ट जॉइंट ऑफ इंडेक्स फिंगर को टच करके देखिए गौर से, एक आंख बंद कर देंगे, लेफ्ट आई आंख बंद करके, जिनकी लेफ्ट आई अच्छी है वो लेफ्ट आई से देखे, जिनकी राइट आई आंख अच्छी है वो राइट आंख से, आर पार रोशनी हो रही है या नहीं? हो रही है, रोशनी आर पार हो रही है। जिनके नहीं हो रही है उनको थ्रोट इन्फेक्शन, कोल्ड एंड लंग्स में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, तो आपके नाक को, गले को और लंग्स को सुधारना है कि जब भी लगा खांसी बहुत बढ़ गई है इमीडिएट चेक कर लेना। द मोस्ट इजिएस्ट, आपको जाके एक्सरे, लंग्स की एक्सरे निकलवाने की जरूरत नहीं है। द मोस्ट इजिएस्ट वे वेदर यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम इन योर लंग्स और नॉट, जस्ट टच द बेस ऑफ योर नेल एंड फर्स्ट जॉइंट ऑफ योर इंडेक्स फिंगर, रोशनी उसमें से आर पार हो जानी चाहिए, उस पे गैप रहना है। अगर गैप नहीं है और रोशनी आर पार नहीं हो रही है तो मतलब अंदर लंग्स में कहीं ना कहीं कोई बीमारी जरूर है, तो उसको ठीक करना है। कि विंटर सीजन है तो नीलगिरी का तेल जरूर रखना है घर में, कि जब भी लगा कि हल्की सी सर्दी खांसी बच्चों को भी हो गई है, इमीडिएट 2 से 4 बूंद लेके उनके थ्रोट पे मसाज कर देंगे एंड कप बना के अपने एडम्स एप्पल पे उसकी मसाज करके देन पीट में उसकी मसाज कर देना है 30 सेकेंड्स, लॉन्ग प्रेस, डीप प्रेस, उतना जोर से नहीं कि दर्द होने पर ज्यादा बढ़ जाए, बी केयर, तो उतना हमको ट्रीटमेंट देना है ताकि बच्चे भी जल्द से जल्द ठीक हो जाए, एक बच्चे से दूसरे बच्चे में ना हो ये इन्फेक्शन, इसका हमको ध्यान रखना है। डायरेक्ट नीलगिरी का तेल कभी भी नहीं लगाएंगे, स्किन में बर्न होने के चांस होते हैं। आपका जो कोकोनट का जो बेस होता है उस कोकोनट ऑयल में 1-5 बूंद डाल के, 1 टेबलस्पून ऑफ कोकोनट ऑयल, उसमें 5 to 6 drops ऑफ नीलगिरी ऑयल डाल के फिर उसकी मसाज करना, कभी भी डायरेक्ट मसाज नहीं करना है, यू विल गेट बर्निंग सेंसेशन इन योर स्किन। ऐसी कौन सी मुद्रा जिससे आपका कोल्ड एंड थ्रोट इन्फेक्शन दोनों ठीक हो जाए, एक ही झटके में कोल्ड एंड थ्रोट इन्फेक्शन दोनों ठीक हो जाए? शून्य मुद्रा, आपका सेंटर फिंगर टच एट द बेस ऑफ योर थंब एंड थंब से, थंब के फर्स्ट जॉइंट से उसको दबा के रखेंगे। शून्य, शून्य मतलब राउंड, जीरो, शून्य का अर्थ है जीरो। शून्य मुद्रा जब आप करते हैं इमीडिएट 5 मिनट के अंदर आपकी सर्दी और खांसी की लगा कि इतने सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स आई कैन नॉट रिमेम्बर, वेरी इजी, शून्य मुद्रा याद रखेंगे कि जब भी शून्य मुद्रा करते हैं इमीडिएट यू हैव टू टच द टिप ऑफ योर सेंटर फिंगर एट द बेस ऑफ योर थंब।